इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें हमको पढ़ना है फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में, और इसके साथ ही हमें ये पढ़ना है कि जो फॉरेस्ट है उस पर कॉलोनियलिज्म का क्या असर हुआ, यानी जो उपनिवेशवाद था, यानी जो ब्रिटिशर्स का इंडिया पर रूल था, उसका क्या असर हुआ फॉरेस्ट पर और फॉरेस्ट सोसाइटी पर, यानी वन्य समाज पर। तो देखिए, हमको ये चैप्टर समझने से पहले, यानी कि जो अंग्रेज थे उनका शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था, उसका क्या असर हुआ, इसको जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर फॉरेस्ट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, फॉरेस्ट को हम इतना अहमियत क्यों दे रहे हैं कि हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फॉरेस्ट आप जानते ही हैं कि फॉरेस्ट में काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, और पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये पहला रीज़न हुआ जिसकी वजह से फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कंजम्पशन होता है। और इसके साथ ही जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आते हैं, जैसे रबर आता है जो कि टायर में यूज़ होता है और भी जगहों पर यूज़ होता है, या फिर आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं जो जिनको दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से यूज़ करते हैं, जैसे हनी हो गया, या फिर और जो गोंद हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं। तो इस वजह से हमें ये तो पता चल गया कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है बहुत ही ज़्यादा, और फॉरेस्ट को हमें बचाना चाहिए। इसके बाद देखिए, एक और चीज़ हमें जाननी चाहिए कि जो फॉरेस्ट है उसको 1700 ईस्वी से लेकर, यानी 1700 ईस्वी से लेकर 1995 के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में काटा गया था, बहुत बड़ी मात्रा में उनको ख़त्म किया गया था, और उसका डाटा यहाँ पर दिया गया है 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1,39,00,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पेड़ जो जंगल थे उनको साफ कर दिया गया, हटा दिया गया, और ये डाटा होता है पूरे वर्ल्ड का 9.3%, यानी पूरे वर्ल्ड के 9.3% को इन करीब 200-300 सालों में ख़त्म कर दिया गया। और इनको काटने का जो मेनली रीज़न था वो था इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, या फिर एग्रीकल्चर के लिए, या फिर पास्चर के लिए, या फिर जो रेलवेज थे उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए इनके लिए इन जंगलों को साफ़ किया गया था। और देखिए, इसके बाद अगर हम देखें तो आइए हम अब डिटेल में देखते हैं कि आखिर जो जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, उनको हटाया क्यों गया था, उनको काटा क्यों गया था। तो देखिए, सबसे पहला तो रीज़न है वो है एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए, खेती की ज़मीन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद दूसरा है वुड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो इंडिया की वुड की ज़रूरत हो या फिर ब्रिटिशर्स की वुड की ज़रूरत हो। इसके बाद तीसरा रीज़न है प्लांटेशन के एरिया को बढ़ाने के लिए, यानी प्लांटेशन, टी का प्लांटेशन, कॉफ़ी का प्लांटेशन, इस तरीके के जो प्लांटेशन थे उनके एरिया को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े इलाके से फॉरेस्ट को काटा गया था। तो आइए इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ऐसा किया क्यों गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की। तो देखिए, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों के आने के बाद एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया गया था, या फिर खेती की ज़मीन को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा था। तो जो जंगल थे उनको पहले भी काटा जाता था, हजारों सालों से काटा जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो इंडिया है उसका जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 16th century में पूरे इंडिया का 1/6 ज़मीन पर खेती होता था, लेकिन आज देखें तो ये जो डाटा है ये बढ़कर पहुँच चुका है 50%, 1/2 तक पहुँच चुका है, और जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, और उसकी जो डिमांड है फूड की वो लगातार बढ़ रही है। उसको पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा जाना बहुत ही ज़रूरी, हम कह सकते हैं ज़रूरी था, ताकि लोगों को जो ज़रूरी फूड आइटम्स है वो प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा था और एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया जा रहा था। इसके अलावा जब देखिए ब्रिटिशर्स आए तो ये जो पूरा प्रोसेस था पेड़ों को काटने का, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने का, इसको काफ़ी बल मिला, काफ़ी इंटेंसिटी मिली, यानी बहुत बड़े स्तर पर अब पेड़ों को काटा जाने लगा एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो इंडिया है, जो इंडिया के किसान हैं वो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाएं, जो कि ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी। अब ये कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं? कॉमर्शियल क्रॉप्स कहने का सीधा मतलब ये है कि वैसे क्रॉप्स
जिनको इंडिया में नहीं जरूरत है, जिनकी डिमांड इंडिया में नहीं है, इंडिया में है मतलब वैसी नहीं है, लेकिन उनको वो ले जाकर यानी ब्रिटिशर्स ले जाकर इंग्लैंड में बेचना चाहते हैं या फिर यूरोप में बेचना चाहते हैं, वो उन चीज़ों को यहाँ पर उगाया जाए, उन्हीं को हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका जूट हो गया, कॉटन हो गया, वीट हो गया, सुगर हो गया, ये ऐसे क्रॉप्स थे जिनको इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में या फिर यूरोप में। ऐसे क्रॉप्स को उगाने के लिए जो अंग्रेज थे, ये ब्रिटिशर्स थे, वो काफ़ी जोर देते थे। इसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये बिलीफ था, उनका ये मानना था, वो ऐसा समझते थे कि जो जंगल हैं वो बेकार चीज़ है, वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमको फ़ायदा पहुँचा रही है, और अगर हम उस जंगल को साफ कर दें और वहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें तो वहाँ पर जो खेती होगी उससे हमको रेवेन्यू मिलेगा, उससे हमको टैक्स मिलेगा, उससे हमारे हमारा जो सरकार है उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स जो है वो बढ़ेगा। तो इस वजह से भी जंगलों को काफ़ी बड़े स्तर पर साफ किया गया था, हटाया गया था एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने दूसरा आ जाता है रीज़न जिसके लिए काटा गया था जंगलों को, वो था वुड का जो नीड यानी लकड़ियों की ज़रूरत। देखिए 19th century की शुरुआत से पहले जो ब्रिटिशर्स के लकड़ियों की ज़रूरत थी यानी वुड की ज़रूरत जो थी उसको इंग्लैंड में जो फॉरेस्ट थे वहाँ से पूरा किया जाता था, लेकिन 19th century के शुरुआत होते होते तक वहाँ के फॉरेस्ट काफ़ी कम बच गए या फिर ऐसा लगने लगा कि आगे कुछ सालों में अब यहाँ पर फॉरेस्ट से हम लकड़ियाँ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो अंग्रेज थे वो इंडिया की तरफ मुड़े और इंडिया से उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू किया। और देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पर वुड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी रॉयल नेवी को, यानी जो ब्रिटेन की नेवी थी उसको, क्योंकि नेवी जो थी वो ब्रिटेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि नेवी की वजह से ही जो ब्रिटेन था वो इंडिया पर या फिर वर्ल्ड के दूसरे इलाकों पर राज करने में सक्षम था, क्योंकि उसकी नेवी पावरफुल थी। और उस समय की जो नेवी थी ब्रिटेन की उसमें जितने भी शिप्स बनते थे, जितने भी जहाज बनते थे वो सभी बनते थे लकड़ियों के। तो इस वजह से बिना लकड़ी के न नेवी बनेगी न ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड पर रूल करेगा। इस वजह से इंडिया से लकड़ियों का एक्सपोर्ट शुरू किया गया, टिम्बर का एक्सपोर्ट शुरू किया गया। और इसके बाद आगे चलकर 1850 के आसपास इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट शुरू हुआ, इंडिया में रेलवेज आ गई और बहुत बड़े स्तर पर रेलवे लाइन बिछाए जाने लगे, रेलवे चलने लगी। और इस चीज़ में भी यानी रेलवे को चलाने के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर लकड़ियों की ज़रूरत थी। उसका रीज़न ये था कि जो रेलवे के स्लीपर्स उस समय लगते थे वो आपको लकड़ियों के बनते थे, टिम्बर के बनते थे, और इसके साथ ही जो रेलवेज चलते थे उसको चलाने के लिए वुड यानी लकड़ियों को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था, उसको जलाकर ही रेलवे जो थे लोकोमोटिव्स उनको चलाया जाता था। और यहाँ पर जैसे बताया गया कि जो रेलवे स्लीपर्स हैं वो 1 मील रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स लगते थे, और एक स्लीपर का साइज़ करीब 7 फीट, 10 फीट, 8 फीट इस तरीके से होता था, वेरिएबल कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो देखिए आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा गया होगा। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1890 तक यानी 1850 से लेकर 1890 तक इंडिया में 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जा चुका था, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें उससे 1 मील में उसको किलोमीटर में करके, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा गया होगा ताकि इस पूरे ज़रूरत को पूरा किया गया होगा। इसके अलावा 1946 तक 7,65,000 किलोमीटर तक ये जो ट्रैक था ये लंबा हो चुका था। तो इस तरीके से ये आपको एक डाटा दे देता है कि कितने बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा गया होगा रेलवे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और उसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो वुड है उसको रेलवे फ्यूल में यूज़ किया जाता था, तो फ्यूल में यूज़ यानी डेली ट्रेन्स चल रहे हैं, डेली उनकी ज़रूरत है, तो डेली कितना वो वुड कंज्यूम करते होंगे, लकड़ियाँ कंज्यूम करती होंगी रेलवे को चलने के लिए, ये भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तरीके के रीजंस को तो समझ लिया जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था या फिर पेड़ों को काटा जा रहा था। और यहाँ पर हमारे सामने अब बच जाता है लास्ट, वो है प्लांटेशन। तो देखिए यूरोप में जो प्लांटेशन है उसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा इसलिए पड़ गई क्योंकि यूरोप में जो चाय था, कॉफ़ी था, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे यानी इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि इंडिया से जो कॉफ़ी है या फिर जो टी है उसको एक्सपोर्ट किया जाए ब्रिटेन में, यूरोप में, और उसके ज़रिए काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसे कमाए जाए या फिर प्रॉफिट कमाया जाए या फिर हम कह सकते हैं वहाँ की ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे
उन्होंने काफ़ी बड़े इलाके को, बहुत बड़े बड़े इलाके को साफ किया, वहाँ से जंगलों को साफ किए और फिर उनको प्लांटेशन के लिए यूज़ किया। और देखिए, प्लांटेशन के लिए जो अंग्रेज़ थे वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को या फिर बहुत बड़े कंपनियों को दे देते थे बहुत बड़े बड़े इलाके कि आप यहाँ पर प्लांटेशन कीजिए और आप यहाँ पर टी कॉफ़ी उगाइए और उसको फिर एक्सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से तीन रीजंस को हमने देख लिया यहाँ पर। पहला तो एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया, दूसरा वुड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया, और प्लांटेशन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि क्यों डिफॉरेस्टेशन किया गया, तो यहाँ पर सिंपली आप इस तरीके से आंसर नहीं करेंगे। इन तीन पॉइंट्स को भी आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है यही क्वेश्चन डिफॉरेस्टेशन के बारे में, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को आप बता सकते हैं। पहला पॉइंट, पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी, इसलिए डिफॉरेस्टेशन किया गया। दूसरा, अंग्रेज़ चाहते थे कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया। और इसके साथ ही थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जंगलों को बेकार समझते थे, फॉरेस्ट को बेकार समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया। इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं रेलवे के बारे में कि रेलवे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और इसके साथ ही जो नेवी थी ब्रिटेन की उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और इसके साथ ही लास्ट में यहाँ पर इंक्लूड करके लिख सकते हैं जो प्लांटेशन था, प्लांटेशन के एरिया को इंक्रीज करने के लिए, टी कॉफ़ी के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया गया। तो इस तरीके से ये हमने समझ लिया कि डिफॉरेस्टेशन आखिर हुआ क्यों, जो प्रोसेस था पूरा, यानी जो पेड़ काटे जा रहे थे वो क्यों काटे जा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो हमारा वीडियो है ये एंड होता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।